ये भी ब्लेसिंग से हारी थी एक तरफा सेमीफाइनल में, और उससे पहले अपना पहला बाउट जीता था। दिव्या काकरान एक उभरती हुई बहुत ही प्रतिभाशाली रेसलर, 24 वर्ष की आयु है, 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल था, 2018 एशियन गेम्स में इनके पास ब्रॉन्ज मेडल था। ओशियानिया के चौंगा से आई हैं उनकी प्रतिपक्षी पहलवान टाइगर लिली कॉकर लिमेली, और दिव्या से अनुभव में काफी पीछे हैं, परंतु हमने पिछले कई बाउट्स में देखा है कई बार युवा रेस्लर अपने से ज्यादा अनुभवी रेस्लर्स को अच्छी खासी चुनौती दे सकते हैं। लगातार समर्थन बना हुआ और पहला मूव लगाया है कॉकर लिमेली ने। दिव्या इनफैक्ट उस मूव में डोमिनेंट हो गई हैं और दो पॉइंट उनको मिल चुके हैं। मूव की शुरुआत की थी चोंगा ने, लेकिन दिव्या ने अपने प्रतिपक्षी को उन्हीं के मूव में उलझा लिया है। टाइगर लिली चली थी दिव्या को पटकनी देने, जबकि दिव्या ने उनको चित कर दिया है पिनफॉल से। आधे मिनट के अंदर अंदर उन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, पूरी तरह से एक तरफा बाउट। और दिव्या काकरान, जो कि 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, यहां भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। मूव लगाया था लिली ने, लेकिन यहां दिव्या ने उनको उलझाया, दो पॉइंट लिए। और देखिए उन दिव्या की पीठ टाइगर लिली के ऊपर है, और यहीं से अपनी पीठ के बल से उन्होंने टाइगर लिली के दोनों कंधे मैट पे लगाए। रेफरी देख रही हैं, जैसे ही दोनों कंधे लगे, दूसरी नहीं तीसरी अटेम्प्ट में जैसे ही कंधे जमीन पे लगे उसी वक्त मैट को थपथपाया, और दिव्या काकरान को पिनफॉल से चित पटकी से इस बाउट का विजेता घोषित कर दिया है। शॉर्ट एंड स्वीट बाउट, आधे मिनट में भारत ने मेडल जीत लिया है। The young